नमस्कार, मेरा नाम कन्ना ज्योति, KGPV चिड़िया सिद्धिपेट जिला। बच्चों, आप सब स्वस्थ और मस्त हैं ना? आप सभी को डिजिटल क्लास की स्वागत है। बच्चों, आज हम नवी कक्षा की सातवां पाठ मेरा जीवन को सीखेंगे। बच्चों, खुशी जीवन उसी का होता है जो अपने दिल से दुखियों का सहायता करता है। आइए बच्चों, आज हम एक कवयित्री की जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर जीवन सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों, आज हम नवी कक्षा की सातवां पाठ मेरा जीवन। मेरा जीवन ये तो कविता पाठ है। इस पाठ की कवयित्री सुभद्र कुमारी चौहान जी है। सुभद्र कुमारी चौहान जी के बारे में कुछ शब्द हम जानकारी करेंगे। आधुनिक हिंदी की प्रमुख कवयित्री है श्रीमती सुभद्र कुमारी चौहान। हिंदी की राष्ट्रीय कवयित्री है। प्रस्तुत मेरा जीवन प्रभावशाली कविता है। इसमें कवयित्री ने यह संदेश दिया कि लक्ष्य साधन के राह में खुश रहते सदा सुखमय जीवन बिताना है। चलो बच्चों, अब हम इस कविता की दूसरे पद्यांश के बारे में जानकारी करेंगे। जगह असार सुनती हूँ मुझको सुखसार दिखाता। जगह असार सुनती हूँ मुझको सुखसार दिखाता। मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन से। उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन से। चलो बच्चों, अब गीत के रूप में गाएंगे। जग है असार सुनती हूँ मुझको सुखसार दिखाता। जग है असार सुनती हूँ मुझको सुखसार दिखाता। मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। उत्साह मंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। उत्साह मंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। उल्लास विजय का हंसता मेरे मत वाले मन से। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। चलो बच्चों, अब शब्दों को अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ, जग दुनिया प्रपंचमु, असार सारहीन सारम लेनी, उत्साह जोश उत्साहमु, निरंतर हमेशा एल्लपुडु, मत वाले मदहोश मत्तेकिना। इस पद्य का पद्यांश का भावार्थ को जानेंगे। कवयित्री कहती है कि उसने लोगों को इस संसार को सारहीन कहते हैं सुना है। उसको उनकी बात सही नहीं लगती। उसको तो संसार सार पूर्ण तथा सुख से भरा दिखाई देता है। उसकी आंखों के सामने हमेशा सुख का समुद्र लहराता रहता है। उसका जीवन हमेशा उत्साह और उल्लास की भावना से भरा रहता है। उसके मस्ती भरे जीवन में विजय की प्रसन्नता हंसती है। अर्थात उसने कभी जीवन की परिस्थितियों से हारना तथा निराशा होना नहीं सीखा है। अब क्रियाकलाप की बारी है। बच्चों, दिए गए प्रश्न और उत्तरों को जानकारी करेंगे। चलो बच्चों, पहला प्रश्न, कवयित्री को संसार क्या दिखाता है? क्या दिखाता है कवयित्री को इस संसार में? कवयित्री को संसार
सुखदार दिखाता है। दूसरा प्रश्न, कवयित्री की आंखों के आगे क्या लहराता है? कवयित्री की आंखों के क्या लहराता है बच्चों? कवयित्री की आंखों के आगे सुख का सागर लहराता है। तीसरा प्रश्न, कवयित्री के मन में क्या हंसता है? कवयित्री के मन में क्या हंसता है बच्चों? कवयित्री के मन में विजय का उल्लास हंसता है। सातवां प्रश्न, कवयित्री के जीवन में निरंतर क्या रहते हैं? कवयित्री के जीवन में निरंतर क्या रहती है बच्चों? कवयित्री के जीवन में निरंतर उत्साह और उमंग रहता है। बच्चों, हमें जीवन में सदा प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में आने वाले बाधाओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार के दुख में भी अपना सुख खोज लेनी चाहिए, क्योंकि संसार सुखों का सार है। ऐसे करने से हमारे चारों ओर हमें सुख का सागर लहराता हुआ नजर आएगा। बच्चों, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी हंसते हैं तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में सुख रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। धन्यवाद।